स्वागत है सब लोग, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ही एक खास कॉन्सेप्ट के ऊपर फोटो एडिटिंग। जैसे कि गाइस ये वाला फोटो देख सकते हो पबजी के ऊपर है, एंड आप लोगों को ये भी पता है कि पबजी अभी इंडिया में बैन है लेकिन बहुत ही जल्द कमबैक करने वाला है। तो इसीलिए सोचा चलो इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। एंड ऐसे ही मतलब जो लोग पबजी लवर है उन लोगों के मन में अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट बढ़ गया है, समझ रहे हो ना गाइस? तो इसीलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एंड आप लोगों को अगर समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इस टाइप का पोज कैसे किया हूँ, तो इसका एक रील्स वीडियो अपलोड किया हूँ इंस्टा पर। तो जो लोग अभी मुझे इंस्टा पर फॉलो करके नहीं रखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, जाकर फॉलो जरूर कर लेना। एंड जिन लोगों को अगर लग रहा है कि ये वाला पोज बहुत ही हार्ड है या कैसे दू ऐसा लग रहा है, तो जाकर रील्स वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है गाइस? और वीडियो अगर पसंद आता है देखने के बाद तो लाइक भी कर देना। चैनल के अंदर अगर नया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलेगा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्सार्ट के अंदर बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ। एंड ये वाला फोटो एडिटिंग करने के लिए जो भी सारा बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज करूंगा सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो कि कहां पर कौन सा वाला पीएनजी यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो फोटो एडिटिंग है गाइस पूरा पीएनजी का कमाल है। एंड आप लोग अगर कोई अगर पीएनजी कोई गलत जगह पर बिठा देते हो तो आप लोगों का फोटो ही पूरा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है? तो पहले समझ लो कि कहां पर कौन सा वाला पीएनजी यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। तो गाइस यहां पर आप लोगों को पहले ओपन करना है बैकग्राउंड, उसके बाद आप लोगों को सिंपली जाना होगा ऐड फोटो के अंदर एंड अपना जो फोटो है उसको ऐड कर लेना होगा। तो यहां पर सिंपली मैं ऐड कर लेता हूं। सो गाइस यहां पर जैसे कि देख सकते हो यहां पर मैं फोटो को ऐड कर लिया हूं एंड कटआउट पहले से ही करके रखा था ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए। एंड जिन लोगों को कटआउट नहीं करना आता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, सिंपली आप लोग जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली कुछ इस तरीके से पोजीशन करके आप लोगों को बिठा देना होगा फोटो को, यहाँ पर इस तरीके से मैं बिठा दूंगा। एंड बिठाने के बाद गाइस आप लोगों को डन नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर बाहर एक टैप कर देना है, यहाँ पर बाहर टैप कर देना है और फिर से आप लोगों के सामने ऐड बटन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर ऐड फोटो के अंदर जाना है एंड एक पीएनजी ऐड करना है। सो गाइस देख सकते हो ये वाला पीएनजी मैं ऐड कर लिया हूँ एंड इसको कुछ इस तरीके से घुमाना है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा पीएनजी है, तो वो ये वही वाला पीएनजी है जो प्रीवियस वीडियो पर यूज़ किया था शैडो के लिए, क्योंकि भाई शैडो बनाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो आप लोगों के लिए मतलब आप लोग इसको रख दोगे ना तो जब भी आप लोग बैकग्राउंड चेंज करोगे ये आप लोगों का जरूरत होगा ही होगा, क्योंकि शैडो तो डालना ही पड़ता है हर फोटो के अंदर अगर मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो इसीलिए मैं हर फोटो के अंदर ये वाला शैडो यूज़ करता हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से बना कर रखा हूँ आप लोगों को, मतलब शैडो बनाकर झंझट ही नहीं होगा गाइस। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करना है एंड इसको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली एंड मूव डाउन कर देना है, ठीक है? और एक बार में नहीं होता है मूव डाउन तो दो तीन बार क्लिक करना होगा आप लोगों को। और इसका ओपेसिटी हल्का सा मैं कम रखूंगा, लगभग यहाँ पर 70 के बीच में, ओके? एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा एंड यहाँ पर भी बिठा दूंगा एंड इसको भी मूव डाउन कर दूंगा, तो ये भी चला गया बहुत ही बढ़िया। देखो गाइस एक बार कि शैडो एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड जल्दी से हो गया। तो और एक डुप्लीकेट बनाऊंगा एंड यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगा कुछ इस तरीके से एंड इसको भी मूव डाउन कर दूंगा सिंपली। तो मूव डाउन कर दिया हूँ, हो गया भाई, देखो शैडो कितना जल्दी हो गया। एंड अगर आप लोग अगर कस्टम तरीके से मतलब खुद की तरफ से बनाना चाहते हो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो आप लोग ये वाला शैडो यूज़ कर सकते हो एंड आप लोगों को सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद और भी यहाँ पर जो पीएनजी वगैरह यूज़ किया था उसको अब ऐड कर लूँगा सिंपली गाइस। तो ऐड फोटो ऑप्शन से यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं चार पीएनजी यहाँ पर एक साथ ऐड कर लिया हूँ, आप लोग चाहे तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वीडियो को छोटा करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर मैं चारों को एक ही साथ ऐड कर लिया हूँ। तो इसको अभी के लिए यहाँ पर मैं साइड में रखता हूँ एंड इसको भी साइड में रखता हूँ एंड इसको भी यहाँ पर नीचे रखता हूँ, ठीक है? एंड पहले यहाँ पर काम कर लेते हैं लाइट का। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन पर जाना है, स्क्रीन कर देना है और ये वाला लाइट है इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा हल्का सा, कुछ इस तरीके से ब्रा कर लूँगा थोड़ा सा। ब्रा करने के बाद इसका जो ओपासिटी है गाइस इसको हल्का सा कम रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ, हो गया। एंड ये वाला जो बुलेट वाला पीएनजी है इसको यहाँ पर मैं रखता हूँ अभी के लिए। एंड ये जो पैन का पीएनजी है इसको पहले यहाँ पर मैं कर लूँगा इसका वर्क गाइस। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोनों पैन को यहाँ पर बिठा दिया हूँ। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो पैन का बीच में आ रहा है मतलब ऊपर आ रहा है, हैंड के ऊपर आ रहा है उंगली के ऊपर, उसको इरेज करना है। तो यहाँ पर सिंपली इरेज वाला ऑप्शन पर जाऊँगा और इरेज वाला ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पर हार्डनेस जो यहाँ पर 98 या 97 रख दूंगा एंड उंगली के ऊपर जो आ रहा है उसको सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से इरेज कर दूंगा, ठीक है गाइस? ये वाला पैन का काम खत्म एंड दूसरे वाला का भी काम कर लेता हूँ। इरेज वाला ऑप्शन पर जाता हूँ, सेम तरीका गाइस। तो गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पर इरेज कर लिया हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह से कर लेना है। एंड ये जो बुलेट वाला है मतलब जो बुलेट है गाइस, बुलेट वाला नहीं, जो बुलेट पीएनजी है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज कर लूंगा अब।
तो इसको भी यहाँ पर यूज़ कर लिया हूँ एंड सिंपली अब यहाँ पर डन कर दूंगा। और आप लोगों को यहाँ पर दो PNG यूज़ करना है जस्ट, तो उसको भी यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो से। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दो PNG को ऐड कर लिया हूँ, ये वाला एक PNG है एंड ये वाला एक यहाँ पर देख सकते हो PNG है। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से जूम करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को लगा देना है एंड इसका जो ब्लेंड मोड है सिंपली आप लोगों को चेंज करके करना होगा। यहाँ पर सिंपली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर ओवर लेकर, ओवर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐड यहाँ पर कर देता हूँ ठीक है। तो ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, देख सकते हो गाइस पोजीशन कर लिया हूँ एंड इसको अब क्या करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको भी एंड इसको क्या करेंगे गाइस इसका भी ब्लेंड मोड सिंपली चेंज करेंगे एंड देख लेंगे कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, मैच हो रहा है कौन सा वाला। तो ये वाला अच्छा लग रहा है ओवरले वाला ठीक है, तो ओवरले कर देता हूँ एंड यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो PNG के थ्रू जो भी करना है यहाँ पर कर लिया हूँ एंड अभी यहाँ पर पूरा परफेक्ट लग रहा है। अभी सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ करना होगा, एक वर्क करना होगा आप लोगों को जो है कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा लाइट रूम के अंदर। तो इस फोटो को यहाँ पर सिंपली ड्रॉवर टूल पर जाऊंगा और यहाँ पर थ्रेड में क्लिक करके सेव इमेज कर लूंगा। तो चलिए अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ एंड इसको सिंपली यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करना है। तो सिंपली आप लोगों को पहले जाना पड़ेगा कलर वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर मिक्स टूल के अंदर आ जाऊंगा एंड मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सिंपली यहाँ पर ह्यू को हल्का सा कम रखूंगा एंड सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज जैसे कि हर फोटो पर रखता हूँ मैं एंड यहाँ पर ऑरेंज पे आऊँगा एंड हल्का सा सैचुरेशन कम कर दूंगा। फेस का जो ऑरेंज टाइप का कलर है फेस के ऊपर वो चला जाएगा इसीलिए एंड लुमियंस यहाँ पर इंक्रीज करूँगा जितना व्हाइट चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैं हर वीडियो के अंदर बता देता हूँ जब कलर ग्रेडिंग करता हूँ कि भाई आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से करना जितना आप लोगों को व्हाइट चाहिए। तो मुझे जितना चाहिए मैं यहाँ पर कर लिया हूँ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं 34 तक कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद येलो पर आ जाता हूँ एंड येलो का ह्यू यहाँ पर देख लेता हूँ। येलो का ह्यू यहाँ पर हल्का सा कम रखेंगे यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर सैचुरेशन हल्का सा डालेंगे गाइस कुछ इस तरीके से एंड ग्रीन को यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस। तो ग्रीन यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर दूंगा एंड सैचुरेशन हल्का सा डाल दूंगा ठीक है एंड यहाँ पर आ जाऊँगा सियन कलर में, सियन कलर का हल्का सा ह्यू को कम और सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज और ब्लू में भी सेम गाइस हल्का सा इंक्रीज सॉरी गाइस हल्का सा ह्यू को कम और यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ठीक है ये भी हो गया एंड यहाँ पर पर्पल कलर में आने के बाद फुल डिक्रीज कर दूंगा सैचुरेशन एंड डन कर दूंगा। डन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज करना है ठीक है और थोड़ा सा यहाँ पर टिंट को भी इंक्रीज कर देता हूँ 66 तक ओके ये भी हो गया बहुत ही बढ़िया एंड वाइब्रेंस जो है इसको यहाँ पर मैं लगभग 40 तक रखूंगा एंड सैचुरेशन हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा यहाँ पर लगभग 8 या 10 तक डिक्रीज कर देता हूँ ठीक है ये भी हो गया। एंड इस टूल के अंदर आऊँगा सिंपली विग्नेट यूज़ करूँगा और विग्नेट यूज़ करने के बाद आप लोगों को मिड पॉइंट भी हल्का सा यूज़ कर लेना है एंड फेदर को 100 कर देना है आप लोगों को सिंपली एंड राउंडनेस जो है इसको भी यहाँ पर सिंपली 100 कर देना है। तो ये भी हो गया एंड इस टूल के अंदर आऊँगा शार्पनिंग डालूंगा फोटो को मतलब फोटो का डिटेल्स डालूंगा यहाँ पर ताकि फोटो के अंदर डिटेल्स आ जाए जैसे कि यहाँ पर गाइस देख सकते हो ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये भी हो गया है। अब आप लोगों को जो लास्ट चीज़ जो एक करना है देख सकते हो अभी भी मैच नहीं हो रहा है बैकग्राउंड के साथ फोटो। तो अब क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर जाएंगे कलर प्रोफाइल के अंदर और यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर फिल्टर यूज़ करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आर्टिस्टिक 08 देख सकते हो गाइस ये वाला फिल्टर यहाँ पर देख लो अच्छी तरीके से यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लूँगा। और इसका जो यहाँ पर अमाउंट है इसका आप लोग सिंपली कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं 100 ही रखूँगा क्योंकि 100 मुझे बेस्ट लग रहा है एकदम सही लग रहा है ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली कर दूंगा डन और डन करने के बाद और एक चीज़ जो आप लोगों को करना है लाइट एडजस्टमेंट। तो सिंपली यहाँ पर लाइट एडजस्टमेंट आ जाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर हल्का सा कम रखूँगा इतना नहीं कुछ इतना रखता हूँ एंड हाईलाइट हल्का सा कम रखूँगा, शैडो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज ओके एंड व्हाइट हल्का सा कम, ब्लैक थोड़ा सा इंक्रीज और यहाँ पर एक्सपोजर हल्का सा कम लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर क्या करूँगा सिंपली एक्सपोजर यहाँ पर 20 डाल दूंगा। तो देख सकते हो गाइस अभी फोटो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से मैं ये वाला फोटो को एडिटिंग किया था। सो गाइस ये रहा बिफोर वाला एंड ये रहा आफ्टर वाला। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कुछ इस टाइप का पबजी वाला फोटो एडिटिंग कर सकते हो एंड आप लोग अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। एंड जो भाई खास करके पबजी लवर हो भाई उन लोगों को खास करके यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भाई कमेंट्स हो जाना चाहिए कि कैसा लगा आप लोगों को, बस मुझे नहीं कुछ पता लेकिन कमेंट्स हो जाना चाहिए एंड लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो एंड इस बार वीडियो को शेयर भी कर देना क्योंकि अभी तो पता है गाइस कि पबजी अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि पबजी कुछ ही दिन में कमबैक करने वाला है तो सभी लोग चाहता है कि भाई पबजी के ऊपर एक फोटो एडिटिंग करूँ। तो इसीलिए शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड चैनल पर अगर नया हो चैनल पर सब्सक्राइब से जरूर कर लेना और ऐसा ही नहीं रहना एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।